मेरा नाम डॉक्टर समीउल्ला है। मैं माहिर अमराज़ अतफ़ाल यानी कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे मुफ्ती महमूद अस्पताल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज की ये वीडियो नियोनेटल रिसेसिटेशन के बारे में। किसी भी बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद उसका रोना और उसका फौरन सांस लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा पैदाइश के फौरन बाद सांस नहीं लेता या फौरन वो रोया नहीं, तो ऐसे बच्चे को जिन स्टेप्स की जरूरत पड़ती है उसको नियोनेटल रिसेसिटेशन। नियोनेटल रिसेसिटेशन के पहले बुनियादी चार स्टेप्स में जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाए तो उसके फौरन बाद आपने बेबी को रिसीव करना है एक ड्राई टॉवल में। ड्राई टॉवल रिसीव करने के बाद आपने इसको ड्राई करनी है सर से लेकर पांव तक, इस तरह से, इस मैनर में। आपने इसको ड्राई करने के बाद बेबी का ये वेट टॉवल हटा देना है और आपने इसको ड्राई टॉवल के ऊपर लिटा देना है। अब ये बेबी जब ड्राई हो गया, इसको आपने वार्मर में डाल दिया, तो ड्राइंग एंड वार्मिंग दो स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप में आपने इसकी सक्शनिंग करनी है, तो सक्शनिंग के लिए सक्शन बल्ब होना जरूरी है। बच्चे को आप पहले सक्शन बल्ब को प्रेस करने के बाद पहले ओरल सक्शनिंग कर लें। ओरल सक्शनिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस, और उसके बाद आप नेजल सक्शनिंग करें एंड नेजल सक्शनिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर और ऑलमोस्ट 1 इंच। तो सक्शनिंग करने के बाद और ड्राइंग, वार्मिंग और सक्शनिंग, इसके बाद अगर एक बच्चा रो लेता है तो फर्दर स्टेप्स की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बच्चा जो कि ड्राइंग, वार्मिंग और सक्शनिंग के बाद नहीं रोया, तो उसको फोर्थ स्टेप चाहिए होगा जिसको स्टिमुलेशन बोलते हैं, जिसमें आइदर आपने इसकी फ्लिकरिंग ऑफ द सोल करनी है, इस तरह से आप फ्लिकर करें एक हल्का सा, या फिर आपने बैक को रब करना है। तो 90% केसेस में बच्चे इन चार स्टेप्स से मुकम्मल तौर पर रिससिटेट हो जाते हैं, या ये बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और इनकी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इनिशिएट हो जाती है। अगर एक बच्चा इन चार स्टेप्स के आखिर में रिससिटेट, किसी भी स्टेप के आखिर में रिससिटेट हो जाता है, तो आपने बेबी को मदर के एब्डोमेन के ऊपर लिटा देना है और माँ के जिस्म की गर्माइश के साथ बच्चे की गर्माइश शुरू हो जाती है और बच्चा हाइपोथर्मिक नहीं होगा। तो इसको कैंगरू मदर केयर या KMC बोलते हैं। और स्टिमुलेशन, इस चारों स्टेप्स में 30 सेकंड्स लगने चाहिए। तो 30 सेकंड्स के बाद अगर बच्चा नहीं हुआ तो सील बनाने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। सक्सेसफुल ब्रेथ्स लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक तो एप्रोप्रिएट साइज मास्क होना। प्री टर्म के लिए 0 साइज मास्क यूज होता है, टर्म के लिए 1 साइज मास्क यूज होता है। दूसरा, सील बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। सील बनाने के लिए मास्क का एक एज टिप ऑफ द नोज से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इट शुड नॉट कवर द आईज। दूसरा, इसका जो एज है वो बिटवीन द चिन एंड लोअर लिप, इसके दरमियान में आना चाहिए, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सील टू एंश्योर एफेक्टिव ब्रेथ्स लाइक दिस एंड देन ब्रेथ breath, chest rise होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सील फॉर्मेशन के दौरान इन दो फिंगर्स को सी की शेप में होना चाहिए और नीचे वाली 3 फिंगर्स को ई की शेप में होना चाहिए, लाइक दिस। इसके बाद आपने सील बनाने के बाद बच्चे की पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट करनी है फॉर 5 सेकंड, रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं। उसमें इस तरह से 2-3 breath, 2-3 breath, 2-3 breath, 2-3 breath, 2-3 breath। अच्छा, इस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के 5 breaths के बाद आपने इंश्योर करना है कि बच्चे की चेस्ट राइज हो रही है। अगर बच्चे की चेस्ट राइज नहीं हो रही तो फिर जो कुछ स्टेप्स लेने हैं जिनको वेंटिलेशन करेक्शन स्टेप्स बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है MR-SOPA। इसमें आपने पहले इंश्योर करना है कि मास्क की रीएडजस्टमेंट, अगर आपका मास्क सही नहीं लगा हुआ तो आप उसको मास्क को
करेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपने रीपोजिशनिंग ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चे का हेड ना ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड हो ना ज्यादा फ्लेक्स होना चाहिए, ये एक न्यूट्रल पोजिशन में होना चाहिए। तीसरा आपने रीसक्शनिंग कर ली, एस सक्शनिंग, दोबारा से आपने एक दफा सक्शनिंग कर ली, और कि अगर इसमें कोई सिक्रीशंस हैं तो वो सिक्रीशंस आप निकाल लें। और इसके बाद ओपनिंग ऑफ द माउथ, एट टाइम्स आप सारे प्रोसेसेस कर रहे हैं, सारे स्टेप्स कर रहे हैं और बच्चे का मुंह ही खुला नहीं है, तो ओपनिंग ऑफ द माउथ कर लिया। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आपने इसकी प्रेशर को इंक्रीज करना है, यानी कि ताकि आपने चेस्ट राइज को इंश्योर करना है कि चेस्ट राइज कर। बेस्ट प्रेडिक्टर फॉर सक्सेसफुल रिससिटेशन इज इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो आपने हर सूरत हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहना है, और हार्ट रेट को दो तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, ड्यूरिंग रिससिटेशन पल्स ऑक्स लगा सकते हैं मॉनिटर के साथ अटैच कर सकते हैं, और आप हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो क्रूड मेथड जो हमारे कॉमनली हमारी सेटिंग्स में यूज होता है, तो उसमें आप बच्चे का हार्ट रेट 6 सेकेंड्स तक काउंट करते हैं, और 6 सेकेंड्स पे जो हार्ट रेट आया उसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 हार्ट रेट आया है तो आप 6 सेकेंड्स में 4 काउंट किए हैं तो ये 40 बन जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हार्ट रेट 60 से कम होता है तो आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट करनी है, और अगर हार्ट रेट 100 से कम है तो फिर आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है। थ्रू आउट द प्रोसीजर ये दोनों गोल्डन असूल है कि हार्ट रेट 100 से कम हो तो आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है, 60 से कम हो जाए तो फिर आपने चेस्ट कंप्रेशन कोऑर्डिनेटेड विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है। पांच रेस्क्यू ब्रेथ्स के बाद 30 सेकंड्स तक ब्रेथ देने हैं, बैक एंड मास वेंटिलेशन या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करनी है, और उसकी उसका रेट होना चाहिए 40 टू 60 breaths per minute। तो इस तरह से आप लोग इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं, आप इस तरह से 2-3 breath, 2-3 breath, 2-3 breath, 2-3 breath इस तरह से 30 seconds तक देंगे, और ये 30 seconds of drying, warming, suctioning and stimulation plus 30 seconds of positive pressure ventilation, इस पूरे steps को golden first minute बोलते हैं, जिसमें जो 10% बच्चे पहले क्राई नहीं करते उनका 90% बच्चे इस गोल्डन फर्स्ट मिनट के एंड पे क्राई कर लेते हैं और स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इनिशिएट हो जाती है। के बाद तीन स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ऑक्सीजन अटैच कर लेनी है, इसके लिए रिजर्वायर बैग अटैच कर लेना है, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करनी है, और तीसरा चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट करना है। चेस्ट कॉम्प्रेशन के लिए दो टेक्निक्स यूज होती हैं, एक टू फिंगर मेथड है और दूसरा चेस्ट अनसर्कलिंग मेथड है, जिसमें दोनों हैंड से आप चेस्ट को अनसर्कल कर लेते हैं, दोनों थम्स मिड ऑफ द स्टर्नम पे ले आके देयर शुड बी अ गैप बिटवीन बोथ द थम्स, और आप इस तरह से चेस्ट कॉम्प्रेशन करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि चेस्ट की रिकॉइल के लिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रेस करें और उसके बाद रिकॉइल के लिए छोड़ें, प्रेस करें और रिकॉइल के लिए छोड़ें। अब इस तरह से आपने 3:1 से चेस्ट कॉम्प्रेशन विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये करनी है। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, 1 and 2 and 3 and breath, 1 and 2 and 3 and breath, 1 and 2 and 3 and, और ये वाला प्रोसेस आपने 1 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली करते रहना है। एक मिनट फर्स्ट गोल्डन मिनट जिसमें ड्राइंग, वार्मिंग, सक्शनिंग एंड स्टिमुलेशन, 30 सेकंड्स ये और 30 सेकंड्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर बैंड्स, एक ये गोल्डन मिनट, और दूसरा 1 मिनट जिसके दौरान कॉम्प्रेशन और बैंड्स 3:1 से आपने किया, इसके एंड में भी अगर बेबी रिसेसिटेट नहीं हुआ तो फिर आपने और हार्ट रेट 60 से नीचे आ रहा है तो फिर आपने मेडिकेशन की तरफ जाना है। उसमें सबसे पहले एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन,
एपिनेफ्रिन हमारी कॉमनली पाकिस्तान इंडिया वगैरह की सेटिंग्स में 1:1000 में आता है, तो आप 1 ml एपिनेफ्रिन को 10 ml नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट कर लेंगे, इट विल मेक 1:10,000 ऑफ एपिनेफ्रिन। और इसके बाद आपने इसको 0.12 ml पर केजी के हिसाब से बेबी को एपिनेफ्रिन देना है। नॉर्मली अगर अम्बिलिकल अगर इस दौरान में आईवी लाइन पास हो गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो ये एपिनेफ्रिन आपके पास प्रिपेयर्ड तैयार होगी। तो जितनी इसकी डोज बन रही है वो अम्बिलिकल स्टंप के जरिए से वेन को कैलकुलेट करने के बाद, अम्बिलिकल स्टंप में एक वेन होती है, दो आर्टरीज होती है। जो वेन होती है वो डायमीटर में ज्यादा होती है, मोटी होती है, थिक होती है, वो आपको कैलकुलेट होती है। वेन को कैलकुलेट करने के बाद 0.1 to 0.2 ml पर केजी आपने डाइल्यूटेड एपिनेफ्रिन इसके जरिए से लिया। एपिनेफ्रिन के लिए अम्बिलिकल वेन कैथेटर भी पास किया जा सकता है। अगर आप एपिनेफ्रिन अम्बिलिकल वेन कैथेटर के जरिए से दे रहे हैं तो 0.1 to 0.2 ml पर केजी से एपिनेफ्रिन लेने के बाद आपने नॉर्मल स्लाइन से फ्लश करना, पुश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वो एपिनेफ्रिन कैथेटर के अंदर रह जाती है। एपिनेफ्रिन के बाद अगर फिर भी इन इफेक्टिव है तो फिर आप 10 ml पर केजी से नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। अगर उससे भी वो भी इनएफेक्टिव है तो आप 1 ml पर केजी से सोडा बाइकार्ब दे सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को 10 मिनट्स तक रिपीट करना है। अगर इन स्पाइट ऑफ 10 मिनट्स ऑफ ऑल योर पॉसिबल एफर्ट्स द न्यूनेटल रिसेसिटेशन इज अनसक्सेसफुल, बेबी ना ट्राई कर लेना है और ना उसकी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इनिशिएट हुई है, तो हेयर यू कैन स्टॉप योर नीड्स न्यूनेटल रिसेसिटेशन प्रोग्राम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।